यस सभा में उपस्थित यहां हरु सबैलाई संपूर्ण नेपालवासी हरुलाई र विश्व का सबै श्रद्धालु जनलाई लुम्बिनी को पवित्र भूमि बाट बुद्ध पूर्णिमा को धेरै धेरै शुभकामना। मुझे पहले भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अवसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। साथियों, चाहे पशुपतिनाथ जी हो, मुक्तिधाम मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनी में, जब जब नेपाल आता नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। साथियों, जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। साथियों, नेपाल यानी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत सागर माथा का देश, नेपाल यानी दुनिया के अनेक पवित्र तीर्थों, मंदिरों और मठों का देश, नेपाल यानी दुनिया की प्राचीन सभ्यता संस्कृति को सहज कर रखने वाला देश। नेपाल आउंदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमण भन्दा अलग औटा छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ। भारत और भारत के लोगों ने हजारों सालों से नेपाल को इसी दृष्टि और आस्था के साथ देखा है। मुझे विश्वास है, अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देवबा जी, श्रीमती आरजू देवबा जी भारत गए थे और जैसा अभी देवबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों,
ये सांझी विरासत, ये सांझी संस्कृति, ये सांझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। भाई और बहनों, बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया। उस आत्मशोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे, तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों को का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था। उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अप्पदीपो भव भिक्खवे, अप्पदीपो भव भिक्खवे, परीक्षा भिक्षवो ग्राह्यम मद बचो नतु गौरवाद, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहण मत करो, बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विषय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं। वैशाख पूर्णिमा का दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था, इसमें बुद्धत्व का वो दार्शनिक संदेश भी है जिसमें जीवन
ज्ञान और निर्वाण तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और सम्मत है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। जब हम मानवीय जीवन को इस पूर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। तब हम खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को जीने लगते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम के बुद्ध उपदेश तक झलकती है। इसलिए भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं, हर किसी के लिए हैं। साथियों, भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है। और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं, कई शहर, कई स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रूप में जानते हैं। भारत की विशेषता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मीयता आप भी जानते हैं। भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देवबाजी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सर्किट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सहयोग दे रही है, विकास की सभी संभावनाओं को भी साकार कर रही है। नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है। और आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का भी निर्णय लिया। साथियों, भारत और नेपाल के अनेक तीर्थों ने सदियों से सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान की विशाल परंपरा को गति दी है। आज भी इन तीर्थों में पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। हमें भविष्य में अपने इन प्रयासों को और गति देनी होगी। हमारी सरकारों ने भैरवा और सोनौली में
इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए हैं। इसका काम भी शुरू हो गया है। ये इस पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुविधा बढ़ेगी। भारत आने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आसानी से नेपाल आ सकेंगे। साथ ही इससे व्यापार और जरूरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति मिलेगी। भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाएं हैं। हमारे इन प्रयासों का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। साथियों, भारत र नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे, र हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। खान पान, गीत संगीत, पर्व त्योहार और रीति रिवाजों से लेकर पारिवारिक संबंधों तक जिन रिश्तों को हमने हजारों सालों तक जिया है, अब उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। मुझे संतोष है कि इस दिशा में भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण है। मैं इस क्षेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूं। हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे। हमारे सक्षम युवा सफलता के शिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं के संदेश वाहक बनेंगे। साथियों, भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्रबुद्धम प्रबज्जन्ति सदा गौतम सावका, एसम दिवाच रत्तो च भावनाए रतो मनो। अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में, सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं। यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भारत र नेपाल बीच को मित्रताले यस मानवीय संकल्प लाए पुरागर, यसै गरी मिलेर काम गरी हने कुरामा, मलाई पूर्ण विश्वास छे। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाख पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।